सिक्किम सरकार द्वारा राज्य में इनर लाइन परमिट की प्रासंगिकता की निगरानी के लिए गठित 9 सदस्य समिति का कल दूसरी अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कमेटी के चेयरमैन सेवानिवृत्त संजीव शांता प्रधान ने की। इस दौरान उन्होंने कमेटी के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कमेटी के गठन की अहमियत को बताया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव शेवांग ग्याचो ने पहली बैठक में जारी की गई जन सूचना की जानकारी सभी को दी। वहीं कल की बैठक में आईएलपी से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुख भी मौजूद रहे।